हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकवी ब्लॉगर में। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में एक ऐसी कार के बारे में जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बेस्ट सेलिंग हैचबैक के अंदर गिनी जाती है, जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक रिफाइनरी इंजन देखने को मिलता है जिससे आपको माइलेज अच्छा देखने को मिलता है, प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिल जाता है, एक्सटीरियर भी लोगों को पसंद आता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इसी कार के बारे में जो कि है वैगनार। एंड ये जो आप पेरेंट देख रहे हैं वो है ZXI वाला, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है लखनऊ का 6,28,000 रुपए का। एंड जो ओनर प्राइस है लखनऊ का वो है 7,15,000 रुपए के अप्रॉक्स में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को इसी का पूरा एक्सटीरियर दिखाने वाला हूँ वॉक ऑन वॉक के साथ में। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। शुरुआत करता हूँ इसकी चाबी से। यहाँ पर आप लोगों को रिमोट की के साथ में चाबी ऑफर की जाती है, सुजुकी की ब्रांडिंग है। लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग के साथ में आती है। एंड अब आ जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल लुक की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को हेलोजन बेस हेडलाइट एरिया देखने को मिलता है जो कि पूरा क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है। इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बेस देखने को मिल जाता है, जिसकी थ्रोइंग नाइट के समय पर बहुत अच्छी रहती है। फॉग लैंप की हाउसिंग है जिसको आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ट्यूनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट की ग्रिल आपको क्रोम विद मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। एंड नीचे देखेंगे तो नंबर प्लेट का स्पेस है। लोअर ग्रिल भी आपको पूरी फाइबर बॉडी की देखने को मिलती है विद स्किड प्लेट के साथ में आती है। एंड अब चलते हैं बोनेट एरिया के ऊपर साइड में। तो यहाँ पर आपको डुअल वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, वॉशर्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड जो आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है वो अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ में आती है, ड्राइवर अंदर से पूरा व्यू कर सकता है बाहर का। एंड यहाँ पर आपको रूफ दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार की है, कर्व्स डिजाइन देखने को मिलती हैं। फ्रंट के सेंटर में आपको पावर एंटीना देखने को मिल जाता है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का बोनेट दिखा दूँ। तो बोनेट के ऊपर आप लोगों को कट्स एंड डिजाइन देखने को मिलती हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। फ्रंट से जो इस कार की चौड़ाई है वो है 1620 mm की, जिसकी वजह से इस कार का जो रोड प्रेजेंस रहता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और लोगों को भी पसंद आता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार के आपको लुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फेंडर की तरफ, तो यहाँ पर इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, कट्स देखने को मिल जाते हैं फेंडर के ऊपर। फ्रंट में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जो कि MRF की तरफ से आते हैं, जिनका टायर साइज है 165/70R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं, कवरिंग के साथ में आते हैं। ये एक्सेसरीज में इंक्लूड की गई है, सुजुकी की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पर जो आपको ORVM देखने को मिलते हैं वो भी बॉडी कलर यूज़ किए गए हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वाले। एंड यहाँ पर आपको सनवाइजर देखने को मिल जाएंगे, विंडो के ऊपर यूज़ किए गए हैं, एक्सेसरीज के अंदर इंक्लूड हैं। एंड यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिलता है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, नीचे डोर्स पे आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है जो कि एक्सेसरीज के अंदर इंक्लूड की गई हैं। एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 32 लीटर की। एंड सी बिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों ऐसा है पूरा सेट का प्रोफाइल। एंड अब मैं आप लोगों को डायमेंशन बता दूं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3655 mm की, हाइट 1675 mm की है, व्हील बेस 2435 mm का है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm का, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली इसको आप राइड कर सकते हैं कहीं पे भी। एंड जो एक्सेसरीज दोस्तों इसमें इंक्लूड की गई हैं वो 20,000 से 30,000 रुपए के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल रही हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लुक देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर भी। एंड सेंटर में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आता है। उसके नीचे आपको वैगनार की बैजिंग देखने को मिलती है क्रोम ट्रीटमेंट की, नंबर प्लेट का स्पेस है। एंड ऊपर साइड में आपको डिफॉगर का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, हाइमोस स्टॉप लैंप है, बॉडी कलर स्पॉइलर यूज़ किया गया फ्लैट वाला। एंड यहाँ पर आपको जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो भी पूरी हेलोजन बेस देखने को मिलती है, जिसकी रोशनी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी रहती है, लोगों को ब्लिंक भी करती है। एंड रियर का पूरा बम्पर एरिया भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है, डुअल रिवर पार्किंग सेंसर्स के साथ में आता है जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। एंड रिफ्लेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं डुअल, स्किड प्लेट आपको सेम बॉडी कलर देखने को मिलती है, एग्जॉस्ट मफलर है, ट्यूनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नीचे प्रोफाइल में यूज़ किया गया है अंडर कवर। एंड अगर बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है 341 लीटर कैपेसिटी के साथ में, जिसमें आप अच्छे खासा सामान को रख सकते हैं, कहीं पर भी लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है वॉक अराउंड ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों को एक्सटीरियर का दे दिया। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को इस कार का इंटीरियर दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस पर कार से रिलेटेड एंड बाइक से रिलेटेड ब्लॉग्स आगे देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।